आज हम लोग इस तरह की सरसंख्या जिसमें यदि x प्लस वन अपान x बराबर दो तो x स्क्वायर प्लस वन अपान x स्क्वायर का मान होगा, इस तरह के सवाल कंपटीशन में आते हैं और लगातार आ रहे हैं। ये हमारे कक्षा आठ में भी है, सात में भी है इस तरह सवाल। तो इसको जल्दी से हल करने के लिए हम एक आसान तरीका बताते हैं। वो तरीका देखें, अगर इस तरह के सवाल आ जाए x प्लस वन अपान x बराबर दो, तो आपको करना क्या है कि जो दो है इक्वल के बराबर, बराबर के बाद की संख्या को वर्ग कर लीजिए और उसी में से दो घटा दीजिए, वह सीधे मान x स्क्वायर प्लस वन अपान x स्क्वायर का मान देगा। जैसे इसमें दिया x प्लस वन अपान x बराबर दो, तो x स्क्वायर प्लस वन अपान x स्क्वायर का मान होगा, तो आप इसका वर्ग कर लीजिए, दो दूनी चार, चार में से दो घटा दीजिए, बराबर दो हो जाएगा। इसी तरह से यह सवाल आ गया x प्लस वन अपान x इक्वल टू पाँच, तो x स्क्वायर प्लस वन अपान x स्क्वायर का मान होगा, तो आप इसको वर्ग करिए, पाँच बचे पच्चीस और पच्चीस में से दो घटा दीजिए तेईस। दूसरा सवाल कीजिए, x प्लस वन अपान x इक्वल टू नाइन, तो x स्क्वायर प्लस वन अपान x स्क्वायर बराबर होगा, इसका वर्ग कीजिए, नौवां इक्यासी, इक्यासी में दो घटा दीजिए, इक्यासी में से दो गए सेवेंटी नाइन। इस तरह का सवाल यह सर्व संख्या पर ही आधारित है और आप चाहें तो देख लें इसको, x प्लस वन अपान x का होल स्क्वायर कर दीजिए बराबर दो का वर्ग कर दीजिए, वर्ग करिए, x प्लस x स्क्वायर प्लस वन अपान x स्क्वायर प्लस टू इंटू x इंटू वन अपान x बराबर चार। अब देखें यह हो गया x स्क्वायर प्लस वन अपान x स्क्वायर धन दो बराबर चार, हम यही दो जो इधर बचता है इसी को बाद में बर करके घटा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर माइनस टू दैट इज इक्वल टू। इस तरह से आपको बर करना आसानी से आ जाएगा और ये कंपटीशन में आपके समय को बचत कर देगा।